अल्लाह रहमान रहीम जी ग्रेट एट स्टूडेंट्स बेटे वेन डायग्राम वी हैव लेफ्ट एट दैट टाइम नाउ इंशाल्लाह वी हैव टू लर्न इट वेरी इजी बट योर कंसंट्रेशन शुड बी रिक्वायर्ड वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम ओके बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन सो दीज आर द फॉर्मूला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए ओके और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए उसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है यूनियन तो यूनियन आ जाएगा इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन आ जाएगा नाउ वी विल हैव टू प्रूव दीज टू लॉज इन एवरी पार्ट ओके ए सेट इज गिवन बी सेट इज गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्राइव कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यानी कि ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और बी यूनियन ए फाइंड करेंगे अगर ये प्रूफ हो जाएंगे सेम आ जाते हैं तो फिर हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ओके लेफ्ट हैंड साइड ले ली ए यूनियन बी सबसे पहले ए सेट लिखा यूनियन बी सेट अब आपको पता है यूनियन में क्या होता है कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मिला के लिखना होता है और मैथमेटिकल ऑर्डर है तो उसी ऑर्डर में सबसे पहले थ्री आता है थ्री लिख लिया फाइव दोनों में आ रहा है एक मरतबा लिख लिया सेवन लिख लिया नाइन दोनों में आ रहा है इलेवन थर्टीन दोनों में आ रहा है फिर सेवनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फाइव यहाँ तक हमारे पास ए यूनियन बी आ गया राइट हैंड साइड क्या है बी यूनियन ए सबसे पहले बी सेट लिखेंगे यूनियन ए सेट इसके अंदर भी यूनियन आ रहा है तो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑर्डर के मुताबिक थ्री पहले आता है थ्री लिखा फाइव दोनों में आ रहा था एक मरतबा लिख लिया फिर सेवन फिर नाइन दोनों में आ रहा था एक मरतबा कॉमन और नॉन कॉमन सबको एक दफ़ा लिख लेते हैं ठीक है अब ये देखिए आपके पास कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बराबर आ गई है ओके पहला स्टेप आपका हो गया अब हमने इसकी क्या डायग्राम ड्रॉ करनी है इसको कहते हैं वेन डायग्राम